हाय 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 हाय, तुम यहाँ गर्मी में बैठे हो, किस चीज के लिए बैठे हो? हम यहाँ जो गर्मी में बैठे हैं, दादरी नगर की समस्या को लेके बैठे हैं। यहाँ डंपिंग ग्राउंड से जो दादरी नगर का वातावरण खराब हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, बच्चे बूढ़े और ये सब महिलाएं सब परेशान हैं। यहाँ ये इतनी गंदगी है यहाँ पे। आप बताइए, आप कूड़े को हटवाना चाहते हैं जी? कूड़े से क्या क्या परेशानी होती है? बीमार पड़ रहे हैं, बुखार बन रहे हैं और टाइफाइड बन रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बदबू का मारा खाना नहीं खा सकते हैं। आप बताइए, आपका आपकी क्या राय है इसमें? समस्या में ये राय है, मच्छर इतना हो रहे हैं और बदबू इतने हैं, ना घर में रखा जाता है, ना अंदर ना बाहर बैठा जाता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े जवान सब बीमार पड़ रहे हैं। अब बताओ, आप बताइए आपकी क्या राय है इसमें? बताओ, कूड़ा हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? हटने चाहिए कूड़ा, और बदबू आते, बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या नाम, खाना भी नहीं खा पाते, खाद भी नहीं लिया जाता है। इस चीज के लिए आपको कितना समय से आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कितना समय हो गया है? जो बार बार लोग आते हैं, अधिकारी सब लोग कहते हैं, आपको इसका विरोध करते करते कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए, तीसरी योजना चल रही है, लेकिन हमें हर बार सांत्वना दी जाती है, सांत्वना देके फिर शांत कर दिया जाता है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि मतलब ये कूड़ा हटना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं बुखार में, छोटे यहाँ पे इन्होंने डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन चालू करा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में इसको देखें, इसमें सहयोग दें और इसको हटवाने की कृपा करें। सुबह ही लोग, अभी आप देख सकते हैं कितना कूड़ा हो रहा है, और यहाँ पे गाय पॉली बैग पॉलीथीन वगैरह खा रही हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फसल भी हो रही है, और यहाँ पे प्लॉट भी है, घर वगैरह भी बनने हैं। तो एक पॉलीथीन पॉलीबैग का एक रिसाइकलेशन होता है, रिसाइकिल इन्हें होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं वहाँ पे पानी की टंकी भी बनी हुई है, तो यहाँ का पानी भी गंदा हो रहा है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, और बहुतों के जो प्लॉट हैं वो दब गए हैं, वो अपना घर नहीं बनवा पा रहे हैं, तो यहाँ बहुत सी दिक्कत आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यहाँ दादरी में यहाँ पे थोड़ा धरना हो रहा है, प्रदर्शन, ठीक है। अभी इनसे हम पूछते हैं क्या दिक्कत है। ओके जी, मैं रीना राघव दादरी की रहने वाली हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड की समस्या से समस्त दादरी बहुत ज्यादा परेशान है। ये आबादी के बीच में आ चुका है, आबादी के बीच में आके यहाँ पे जो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो दादरी नगर की गाय जो मर जाती है, पहले बात तो इस कूड़े को खा के मर रही है, ठीक है, और कूड़े को दादरी नगर की जो भी गाय मर जाती है वो इस कूड़े में इसको दबा देते हैं, और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यहाँ पे आसपास के 2 किलोमीटर एरिया में कम से कम 7 से 8 स्कूल है, यहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें भयानक बीमारी हो रही है, दादरी नगर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, मलेरिया डेंगू महामारी जैसी विकराल रूप धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 सालों से यहाँ दादरी नगर की चेयरपर्सन इस चीज, हमारी मांग सब साथ है, मांग है भाई इस कूड़े को यहाँ से हटाना, और हम चाहते हैं कि सब भाई हमारा साथ दे इसमें, YouTube के माध्यम से, Instagram से हमारा सपोर्ट करें, सब भाई यहाँ पर आकर हमारा साथ दे, इस कूड़े हटवाएं, दादरी को स्वस्थ करें, बस भाई मेरी यही मांग है। हमारा सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो इस दादरी नगर में यहाँ पर इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से जो गंदगी फैल रही है, जो यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ के नगर पालिका जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं उनको पिछले 10-15 साल से लगातार अवगत कराया जा रहा है, और स्वयं भी उसको देख रही हैं, जिसको हर बार वो ये कहकर आश्वस्त यहाँ के लोगों को कर देती हैं कि हम इसको 2-3 महीने में हटवाएंगे, और जो आप लोगों की कानूनी फाइल है वो प्रशासन के पास रखी हुई है, यहाँ से आगे नहीं चल रही। तो हमें आप कृपया ये बताएं, ये कब तक हो पाएगी? क्या जब यहाँ की जनता मरना शुरू हो जाएगी, या जो बराबर में स्कूल चल रहा है उसके बच्चे रोज 10-5 रोज मरने लगेंगे, उसके बाद कुछ होगा? बीमारी तो चली रही है, बीमारी इतनी लगातार चल रही है, और यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति है कि ये लोग किसी भी तरीके से इसको अपने इसको एक दायित्व समझकर नहीं निभा रहे,
उसको सिर्फ मजाक में ले रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो लोगों के आसपास में खेत हैं, प्लॉट हैं, उनमें सबको इसको भर दिया है। जो जगह चिन्हित भी नहीं है डंपिंग ग्राउंड के लिए, उसको इन्होंने सारा कवर कर दिया है। क्या यहाँ पर इनकी ये जो है सारी जो है तानाशाही चलेगी? क्या इसके लिए कोई नहीं बोल पाएगा? आप कृपया सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद। तो मैं आपको बात बताती हूँ, आज कल जब हमने यहाँ पे आज इस धरना प्रदर्शन को तीसरा दिन हो चुका है, दादरी नगरवासी पूरी तरीके से यहाँ सपोर्टेड हैं। कल यहाँ दादरी नगर की चेयरपर्सन आई, ईओ मैम भी आई और एसडीएम साहब का भी फोन आया। उन्होंने लेकिन उन्होंने इस चीज का कोई भी समाधान नहीं किया, सिर्फ दिया तो सिर्फ एक आश्वासन, ठीक है। लेकिन उन्होंने कल हमें ये बोला कि विकास माननीय मंत्री जी अरविंद कुमार शर्मा जी, नगर विकास मंत्री भारत सरकार, वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो आपकी मैं उनसे आपकी समस्या रखूंगी। लेकिन आज उन्होंने यहाँ की दादरी की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, उन पे विश्वास जताया, लेकिन आज मंत्री जी को यहाँ पे उन्होंने इस समस्या से अवगत भी नहीं कराया। हमने उन पर विश्वास जताया कि हमारी समस्या को वो आगे लेके जाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मंत्री जी यहाँ पे अपनी जनता के बीच एक बार उन्होंने जनता का हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि दादरी की जनता किस दायरे में जी रही है। और सबसे शर्मनाक बात मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दादरी नगर की जो भी गाय मर जाती हैं, बेहद शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए कि वो इस कूड़े में दबा दी जाती है। गाय को हम देवी 84 लाख देवी देवता है, हमारी गाय माता में विराजमान रहते हैं, जिसका हम भरसक प्रयास सम्मान करते हैं, पूरी दादरी नगर समस्त वासी इसका सम्मान करते हैं। हमारे हिंदुत्व का, हमारे पर्यावरण का, हमारे बच्चों का हरण हो रहा है। माननीय मंत्री जी यहाँ आए लेकिन उन्होंने अपनी जनता के बीच जाना जरूरी नहीं समझा। गीता पंडित चेयरपर्सन ने यहाँ की जनता को, जनता की परेशानी को अवगत कराना जरूरी नहीं समझा। धन्यवाद।